आज फिर हम बात करने आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स की। ये चीज ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो 6th, 7th, 8th में, बट अब हम करने आ रहे हैं उसका रिवीजन और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। जैसे हमने बात की थी बेसिक टर्म्स के तौर पे, जैसे हम a प्लस बी और एक a प्लस बी, ठीक है भाई, दो आपके पास ये बाइनोमियल है और आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिक फंडा क्या होता था हमारे पास, आप मल्टीप्लाई करते थे इस a को पहले a प्लस बी से और इस b को a प्लस बी से। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है फॉर्मूला, ठीक है। अब मतलब कि आप ये कह सकते हो कि देखो पावर यहां बनती और यहां बनती, जब बेस बेस सेम होता तो पावर क्या हो जाती है, एड हो जाती है। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसी b की जगह हम क्या पुट करते हैं, माइनस b, तो क्या आ जाएगा a प्लस माइनस b, आपने रिप्लेस कर दिया है b की जगह माइनस b, तो क्या आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस टू ए बी की जगह माइनस b प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। भाई माइनस किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव ही आता है, और इसे आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास दो आइडेंटिटीज बनती हैं जो आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ी होंगी, उसके व्याप्य हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स पहले हम बात करते हैं इसको एक्सपेंड करने की, जो अभी तक हमने आइडेंटिटी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग से एक्सपेंड करते हैं। देखिए दिस टर्म माइनस दिस टर्म का होल स्क्वायर, मतलब इसको आप मान सकते हो a, ठीक है, और इसको आप मान सकते हो b। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है a माइनस बी का, आपने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग ओपन करते हैं, तो a की जगह क्या पुट करेंगे हम, 3/4 x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है 3/4 इंटू x, b कितना है 7/3 y। यहाँ पे ना साइन के साथ मत ले लेना आप, क्योंकि आप आइडेंटिटी a माइनस बी का लगा रहे हो, तो ये वाला b होगा माइनस 7/3 y माइनस, वो नहीं होगा b आपका, प्लस 7/3 y का होल स्क्वायर। अब देखिए बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को ओपन करने में ना गलतियां कर देते हैं, क्या देखिए इसका स्क्वायर है ना, तो 3 का भी स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस, भाई 3 से 3 कट सकता है, बहुत बढ़िया, इससे कट सकता है तो 2 आ जाएगा, तो क्या आएगा 7/2 xy प्लस 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया है इसको ओपन करने के बाद, और a क्या था हमारे पास 3/4 x माइनस 7/3 y का होल स्क्वायर, मीन्स इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये चीज आपके सामने आ जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये वाला माइनस का था, ये वाला हमारे पास प्लस का है। इससे पहले कुछ चीज मैं आपको बता दूं भाई, जैसे रूट टू का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, और यदि आप स्क्वायर करते हो इसका तो 2 की पावर 1/2 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास ये, और पावर की पावर क्या होती है कैंसिल, ये हमारे पास आ गया 2। मतलब कि यदि आप रूट 3 का स्क्वायर करते हो तो कितना आ जाएगा भाई 3, रूट 5 का स्क्वायर करते हो तो कितना आ जाएगा आपके पास 5। मतलब किसी भी चीज का आप रूट का स्क्वायर करते हो तो रूट आपका हट जाएगा, आप इस चीज को मान सकते हो। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो भाई a हमारे पास कितना है, ये वाला पूरा a है, तो रूट टू बाय थ्री एक्स का होल स्क्वायर लग सकते हैं हम, प्लस 2 इंटू व्हाट इज a, रूट 2/3 इंटू एक्स, और b हमारे पास कितना है बच्चों √5/7, और प्लस b का स्क्वायर √5/7 का होल स्क्वायर। यहां तक आप इसको लिख सकते हो। अब देखिए रूट 2 का स्क्वायर अभी क्या बताया मैंने 2, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस क्या कर सकता है इसमें से, कुछ नहीं कर सकता, √2 × √5 √10, तो ये हमारे पास आ गया 2√10 अपॉन 3 × 7 = 21 इंटू एक्स, प्लस √5 2 = 5 7 2 = 49। ये वाली चीज हमारे पास आ गई है इसको एक्सपेंड करना, बड़े आराम से एक्सपेंड किया करो, सिर्फ गलती नहीं होनी चाहिए आपसे।
अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो हम बेसिकली इनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। हालांकि टू टर्म्स का स्क्वायर तो हमने कल भी निकाल के देखा नेक्स्ट लास्ट वीडियो के पीछे। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, बट हमें इसे एक्सपेंड करना है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। इसको आप क्या ले सकते हो, 100-3 का होल स्क्वायर ले सकते हो। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, आप इसको ले सकते हो, दैट इज ए एंड दिस इज बी। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम इसे पुट कर देते हैं वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हमारा 100 है और बी हमारा है 3 और प्लस 3 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 2, 3, 4 माइनस 600 और प्लस 9 आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 600 माइनस कर सकते हो, 9400 आपके पास आ जाएगा प्लस 9, ये आ जाएगा 9409। ये हमारे पास वैल्यू उसकी आ गई है। यदि आप बात करते हो 107 का होल स्क्वायर की, तो आप क्या लिखोगे, 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 100 इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा प्लस, ये हमारा आ गया प्लस 49। तो ये हमारे पास आ जाएगा 449। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं ये और ये, और हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की। अब एक छोटा सा लॉजिक देखो आप, कि छोटे कम पावर वाले को स्क्वायर करोगे या क्यूब करोगे। देखो जैसे मैं x का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो क्या जाएगा x² यदि मैं x स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगा, x के बराबर 4, यस और नो। तो मतलब हमारे पास क्या है, मैं इसका स्क्वायर करूंगा तब ये आएगा। तो क्या करता हूं भाई, एक साइड तो हम स्क्वायरिंग कर नहीं सकते, दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो आप क्या लिख दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड क्या कर दोगे आप, स्क्वायरिंग कर दोगे। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 1/b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। बेटा x x कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 121। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 119। ये हम बहुत इजी तरीके से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, हमें करना क्या है, वैल्यू वही निकालनी है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की। तो क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 5 का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला लगाओगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, रूट 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा हमारे पास। तो 2 से 2 कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 5, 2 माइनस में कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा आ गया बच्चों आंसर। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में माइनस वाली टर्म, एक्स माइनस 1/x इज इक्वल्स टू रूट 11। निकालना आपको ये दोनों टर्म्स है, क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 11 का स्क्वायर, ठीक है भाई। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर लिख दोगे आप, ये आ जाएगा 11। 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इज इक्वल्स टू 11, और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 13 आया हमारे पास पहले इक्वेशन। अब यदि मैं फिर से इसकी स्क्वायरिंग कर दूं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर
इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 169। यह आ जाएगा x की आवर 4 प्लस इन दोनों से कट जाएगा, आएगा 2 प्लस 1 बाय x की आवर 4 इज इक्वल्स टू 169। माइनस कर दो तो x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की आवर 4 इज इक्वल टू 167। ये हमारे पास वाटा आंसर आ गया। ये प्लस था, वहां पे जाके माइनस हो गया। तो ओवरऑल कंडीशन हमारे पास ये निकल के आती है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, पहले स्टेप के बाद तो हमारे पास प्लस ही बन जाएगा, उसकी स्क्वायरिंग कर देंगे तो x की पावर 4। आप इसके बाद भी स्क्वायर कर सकते हो तो x की पावर 8 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब स्टूडेंट्स नए टाइप के थोड़े क्वेश्चन आए हैं, बट आइडेंटिटी हमारे पास सेम है और उसी की एप्लीकेशन है। अब एक चीज खुद सोचो भाई, यहां पर 3x plus 2y हमें दिया हुआ है और 9x square plus 4y square। अच्छा अब मैं आपको इसमें से आपको एक चीज नोटिस करनी होती है, 3x का स्क्वायर करो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। मतलब कि मैं इसका स्क्वायर करूं तो लगभग ये आ रहा है मेरे पास एज इट इज, यस और नो? तो क्या कर सकता हूं मैं, यदि मैं 3x plus 2y is equals to मैं 12 लिख लूं, ठीक है, और क्या कर दूं मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या फायदा हो जाएगा हमको, फायदा में ये हो जाएगा कि 3x plus 2y का जब आप स्क्वायर करोगे और 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। भाई क्या ले सकते हैं इसको हम, 3x के स्क्वायर को 9x स्क्वायर प्लस इसे को 4y स्क्वायर प्लस भाई 2 3 जा 6, 6 2 जा 12xy आ रहा है बेटा इज इक्वल्स टू 144। xy की वैल्यू आपको पता है 6 है, तो 9x square plus 4y square plus 12 into 6 is equals to 144। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 9x square plus 4y square plus 72 is equals to 144। बेटा ये प्लस में है, इसको वहां लेके जाने जाना, तो क्या हो जाएगा ये 9x square प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72। ये आपका आ गया है आंसर, बात समझ में आप सभी को। सिमिलरली यहां पर भी देखिए भाई, 5x का स्क्वायर कितना होगा 25x स्क्वायर, 7y का स्क्वायर कितना होगा 49y स्क्वायर। मतलब इसी का स्क्वायर करने के लिए कहा है इसने, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो बहुत बड़ी पावर आ जाएगी x स्क्वायर 4, और ऐसा कुछ हमारे पास है भी नहीं। तो कम पावर वाले का हमेशा आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है आपको। तो क्या करोगे आप, करने जाओगे 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 10 का स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो क्या रहेगा, 5x माइनस 7y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ये क्या आएगा हमारे पास, 5x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 7y प्लस 7y का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बच्चों, ठीक है। 5y का स्क्वायर 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 7y का स्क्वायर 49y स्क्वायर माइनस 25 जा 10, 10 7 जा 70xy इज इक्वल टू 100। xy की वैल्यू कितनी दी हुई है मैं, माइनस 1, तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर 49y स्क्वायर माइनस 70 इंटू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 100। तो 25x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर, बेटे प्लस आ गया 70, और आप उसे क्या कर दोगे, माइनस करो उस साइड, तो मुझे वैल्यू बताओ कमेंट में टाइप करो फटाफट जल्दी से, कितना आंसर आने वाला है इसका, स्क्वायर इज इक्वल्स टू, माइनस करके आंसर लिख दो उसमें फटाफट जल्दी से। अब फ्रेंड्स इस टॉपिक के ऊपर जो इस आइडेंटिटी है उसके ऊपर हमारा लास्ट टाइप के क्वेश्चंस रह रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा रिवर्स गियर डालेंगे हम और उसके बाद हमें देखेंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है और हमें निकालनी किसकी है, एक्स प्लस वन बाय एक्स की। तो क्या करोगे आप,
एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर आप सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। आपको याद सिर्फ ये रखना है, या आप कुछ कॉमन सेंस वाली बात भी है वैसे तो ये, कि जिसकी मिनिमम पावर है उसी का स्क्वायर या क्यूब करके आप ये ला सकते हो। तो यहां पर स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके ला सकते हो आप, तो यहां से कट जाएगा। अब एक चीज बताइए, एक्स एक सेकेंड, वन बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू। अच्छा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी यहां पर 79, यहां पुट कर सकते हो 79 प्लस टू, एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा 81। एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 और एक्स प्लस वन बाय एक्स को आप दोनों साइड अंडर रूट लोगे तो प्लस माइनस 9 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। देखिए वैल्यू तो आपको ये दी हुई है, लेकिन निकालनी किसकी वैल्यू आपको, एक्स माइनस वन बाय एक्स की। फिर से वही बात भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो ये आ सकता है। यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, एक्स एक्स कट गया, एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास, 66। सो एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 66 माइनस टू, तो एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। क्या ले सकते हो आप भाई, दोनों साइड अंडर रूट ले लो, एक्स माइनस वन बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर ही क्या होता है 64।